बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आमीन। जी तो आज हमारे किचन में बन रहा है हैदराबादी बघारे बैंगन। जी हाँ, हैदराबादी बघारे बैंगन। इसके लिए हमने यहाँ पर बैंगन लिए हैं आधा किलो, दो मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसको हमने हल्का सा रोस्ट करके और ये ग्लेंडर करके रख ली यहाँ पर। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करनी, हल्के से रोस्ट करके हमने यहाँ ग्लेंडर करके रख ली। साथ ही लिया है 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और यहाँ पर लिए हैं हमने तिल लिए थे, उसको भी ड्राई रोस्ट करा और इस तरह हमने उसको भी ग्राइंडर कर लिया। ये लिए हमने 4 टेबल स्पून, और यही हमने खोपरा, यहाँ पर खोपरा भी लिया, वो भी हमने ग्राइंड कर लिया, वो भी हमने लिया 4 टेबल स्पून। यहाँ हमने मूंगफली ली, उसको भी हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया और उसे भी ग्राइंडर कर लिया। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स स्पेशली बघारे बैंगन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और साथ ही यहाँ हमने ले लिया है बघार के लिए कड़ी पत्ता, या आप 2 से 3 उसकी टहनी ले लीजिए। और साथ में बघार के लिए हमने लिया है ये राई दाना, ये लिया है 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा ये 1 टीस्पून, और ये भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है ये हमने लिया है 1/2 टीस्पून। साथ ही यहाँ ले लेंगे इमली का पल्प, ये हमने लिया है 1/2 प्याली, और हल्दी पाउडर लिए 1/2 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया लिया है 1/2 टीस्पून, सॉल्ट लिया है 1/2 टीस्पून, और रेड चिली पाउडर लिया है यहाँ 1/2 टीस्पून। ये सॉल्ट और चिल्ली आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। और यहाँ पर हमने ये लिया है मस्टर्ड ऑयल, आप रेगुलर कुकिंग ऑयल से भी बना सकते हैं, बट इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए हमने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल लिया है। चलिए अब इसकी तैयारी शुरू करते हैं। जी तो पहले एक बाउल में पानी ले लेंगे और 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट मिला देंगे, और यहाँ बैंगनों को कट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे पूरा कट नहीं करना है, बस 4 पीस करना है, इस तरह कि ये अलग ना हो। इस तरह इसे कट करके हम पानी में रखते जाएंगे ताकि ये काले ना हो। इसी तरह मैं सारे बैंगन कट करके रखती हूँ। अच्छा, ये जो 3 हमारे इंग्रेडिएंट्स थे, अब हम इनको हाफ हाफ इस बाउल में निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा हम ये ग्रेवी में डालेंगे और आधा ये हमें बैंगन के अंदर भरना है, तो हाफ हाफ हम इसमें से निकाल लेंगे। अब इसमें 1/4 टीस्पून हम सॉल्ट ऐड कर लेंगे ताकि अंदर से फीके ना रहें, और इसे अच्छी तरह मिक्स करके बैंगनों में भर लेंगे। इस तरह हम इसे करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। और इस तरह हम बैंगनों के अंदर इसको फिल कर देंगे दोनों साइड से, ताकि ये अच्छे से बैंगनों के अंदर फिल हो जाए। ये देखिए इस तरह, दूसरे को भी उठाएंगे, सेम इसी अंदर देख लीजिएगा, आपका कोई बैंगन में कीड़ा वगैरह ना हो। मैंने सब चेक कर लिया है, आप भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अमूमन बैंगनों में कीड़े होते हैं। इस तरह हम सारे बैंगनों को फिल कर लेंगे। जी तो यहाँ पर हमने सारे बैंगन फिल कर लिए हैं, चलें अब कुकिंग की तरफ चलते हैं। जी तो ये मस्टर्ड ऑयल था, मैंने इसे अच्छे से गरम कर लिया है, क्योंकि अगर इसे हम अच्छे से गरम नहीं करते तो इसमें फिर कच्चे ऑयल की बू सी आने लगती है, इसलिए हमने इसे अच्छे से गरम कर लिया। और फिर हमने इसे हल्का सा ठंडा करा। अब हम इसमें ऐड करेंगे सफ़ेद ज़ीरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और साथ ही ऐड करेंगे राई दाना, साथ ही ऐड कर देंगे कड़ी पत्ता। बिस्मिल्लाह। ऐड कर देंगे प्याज, जिसका हमने पेस्ट बना के रखा है। इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसको पहले पैन में 1 चम्मच ऑयल डाल के इसको हल्का सा रोस्ट कर लिया था और फिर ग्राइंड करा था, तो इसे बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। साथ ही ऐड कर देंगे पिसा हुआ अदरक लहसुन और अपने सारे स्पाइसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे 1-2 मिनट तक के लिए रख देते हैं ताकि ये मसाले अच्छे से भून जाएं, बाकी के इंग्रेडिएंट्स हम बाद में फिर इसमें शामिल करते हैं। इसको कवर करके 1-2 मिनट तक के लिए रख देते हैं।
जी, तो यहाँ 1 से 2 मिनट हो गए हैं मसालों को अच्छी तरह भूनते हुए। मसाले अच्छे से भून गए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे जो यहाँ पर ये जो हमने पिसी हुई मूंगफली, पिसा हुआ खोपरा और पिसे हुए तिल लिए थे, ये मैंने तीनों को मिला दिया है क्योंकि आधा मसाला हमने बैगनों में भरा है और आधा मसाला ये रहे। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स हैं पिसे हुए, अब इन तीनों को शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे भी डाल के अच्छे से भूनेंगे। ड्राई रोस्ट हुए हैं ये भी तीनों मसाले, तो इनको भी बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको थोड़ा सा भूनेंगे। जी, तो यहाँ मसाला अच्छे से भून गया है। अब हम थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करते हैं, जितनी हमें ग्रेवी रखनी हो। बहुत ज़्यादा पतला नहीं होता, इसकी थिकनेस ज़्यादा ही होती है, गाढ़ा गाढ़ा ही होता है, ये देखें। इससे ज़्यादा हमें और मज़ीद पतला नहीं करना है इसको। अब इसमें ऐड करते हैं बैंगन जो हमने भर के रखे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको ज़्यादा नहीं चलाना है, बस अब इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के एकदम लो फ्लेम पर रख देंगे ताकि बैंगन अच्छे से गल जाए। कवर करके रख देंगे हम इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पर। जी, तो यहाँ इसे पकते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं ताकि दोनों तरफ से बैंगन अच्छे से गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे फिर हम 5 से 7 मिनट तक के बिल्कुल लो फ्लेम पर पका लेते हैं ताकि दूसरी साइड से भी बैंगन अच्छी तरह गल जाए। जी, तो यहाँ 5 से 7 मिनट हो गए हैं बैंगनों को गलते हुए और बैंगन अच्छे से यहाँ गल चुके हैं। अब इस पॉइंट पे हम शामिल करेंगे इमली का पल्प जो हमने हाफ प्याली निकाल के रखा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही ऐड कर देंगे यहाँ पर भुना हुआ कुटा हुआ जीरा जो हमने ली थी हाफ टेबल स्पून, इसको भी ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छे से एक दफ़ा मिला लेंगे और फिर तकरीबन 1 से 2 मिनट बस बिल्कुल लो फ्लेम पर रख देंगे ताकि इमली का पल्प अच्छे से मसालों में मिक्स हो जाए। यहाँ 1 से 2 मिनट हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है और यहाँ सालन बिल्कुल रेडी है। चलें फ्लेम ऑफ करते हैं और आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो यहाँ पर रेडी है हमारे हैदराबादी बघारे बैंगन। इसे किसी गार्निश की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही खाने में जितना लजीज, देखने में जितना लजीज लग रहा है इतना ही ये खाने में भी होता है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।